नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं आप हिसार शर्मा और आज न्यूज चक्र में आपके सामने दो मुद्दे होने वाले हैं। मुद्दा नंबर एक, मध्य प्रदेश भाजपा में जूतम पैजार चल रही है, पिस्तौल निकालने तक की नौबत आ गई है, मगर मजाल है गोदी मीडिया में इस बात की चर्चा हो। और दूसरा मुद्दा, देश का पहला अग्निवीर शहीद हुआ है, राहुल गांधी ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी उसका मजाक क्यों उड़ा रही है। जी हां, अग्निवीर की शहादत और भाजपा के ट्रोल तंत्र, अमित मालवीय को हंसी आ रही है, इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर जूतम पैजार चल रही है, और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मुद्दा, पिस्तौल निकालने की नौबत आ गई है। पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम पार्टी के नेताओं को गाली दे रहे हैं। याद कीजिए वो नारा जो सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगाया था दिल्ली के चुनावों से पहले, देश के गद्दारों को गोली मारो। ये नारे अब पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के बारे में निकाल रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों कि भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में पार्टी के नेता किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता किस कदर नाराज हैं। और आप अंत में देखिएगा, जो उनका सुरक्षाकर्मी है वो पिस्तौल तक निकाल लेता है। हालात कितने गंभीर हैं देखिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, यही दिग्विजय सिंह की सुरक्षाकर्मी ने किया होता, क्योंकि यकीनन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में भी तनाव है और उसकी चर्चा मीडिया कर रहा है। मगर कल्पना कीजिए, अगर ऐसा दिग्विजय सिंह के सुरक्षाकर्मी ने किया होता तब क्या होता, तब गोदी मीडिया इसकी कितनी चर्चा कर रहा होता। मगर बड़ा सवाल ये कि क्या इस खबर को मीडिया को नहीं करना चाहिए, और अगर मीडियाकर्मी पार्टी के नेताओं से सवाल कर लें तो पार्टी के नेता पलटकर कहते हैं ये आपका काम नहीं है। कायदे से पत्रकारों को पलटकर बोलना चाहिए कि मिस्टर सीटी रवि, ये लोकतंत्र है और पार्टियों के अंदर जो राजनीति चलती है उसे जनता के सामने लाना पत्रकार का फर्ज है। देखिए सीटी रवि किस तरह से पत्रकारों को नसीहत दे रहे हैं, सुनते हैं। आपका काम नहीं है, हमारा काम है, हम करेंगे। प्लीज आप जाइए, हम संभालेंगे, अपना पार्टी का मामला है, हम संभालेंगे। आप जाइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए, आप जाइए, प्लीज आप जाइए, मीटिंग है, आप जाइए। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। वही नारे जो भाजपा के नेता इसके लिए लगाते थे, अपने विरोधियों के लिए। मुलायजा फरमाइए। तो दो चीजें सामने उभर कर आ रही हैं दोस्तों कि इस वक्त मध्य प्रदेश भाजपा में जबरदस्त तनाव की स्थिति है, मगर कोई भी गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। इसकी चर्चा होनी चाहिए, ये तस्वीरें सामने आनी चाहिए, मगर मजाल है ये तस्वीर सामने आ जाए। उल्टा तस्वीर कौन सी सामने आ रही है, दिग्विजय और कमलनाथ के बीच में जो हंसी मजाक में एक संवाद चल रहा है उस तस्वीर को लेकर गोदी मीडिया कह रहा है कि देखिए कितना बड़ा तनाव है। और वो बातचीत क्या थी, करीब 1.5 मिनट की बहुत दिलचस्प बातचीत है। खुद दिग्विजय सिंह ने इसे ट्वीट किया था, आप खुद देखिए। आपने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े पहन। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट के, तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। अच्छा, मेरा
और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी, वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है, जैसे मैंने कहा राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बातम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कर्दे घूट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे। तो आप सबका आज के दिन। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या मुख्यधारा की न्यूज चैनल्स में जो तनाव आपने भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में देखा, या जिस तरह से आपने सीटी रवि की बौखलाहट देखी, वो आपने कहीं देखा? मगर गोदी मीडिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में जो तनाव चल रहा है उसकी चर्चा बखूबी की होगी, और यही गोदी मीडिया का काम है। इस वक्त इंडिया गठबंधन में भी अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त तनाव बना हुआ है, उसे उठाना भी चाहिए। गोदी मीडिया उसकी चर्चा कर रहा है, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव अभी कई महीने दूर है, मध्य प्रदेश चुनाव को अभी कुछ ही हफ्ते रह गए हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है, मगर जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है उसकी चर्चा कौन कर रहा है? इंडिया गठबंधन में यकीनन तनाव है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो तनाव है वो बहुत ही गंभीर है। जिस तरह की बयानबाजी जो है इस वक्त कमलनाथ और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, और यह भी तनाव मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भागीदारी चाहती है मगर कांग्रेस नहीं चाहती। दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बता दूं कि यह भी आरोप लग रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अपने पसंदीदा लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, और वो आरोप यह लग रहा है कि वो काबिल लोग नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता अब कमलनाथ के पास पहुंच रहे हैं शिकायत लेकर, और कमलनाथ कह रहे हैं कि भाई आप दिग्विजय और जयवर्धन से बात कीजिए, जयवर्धन जो कि उनके बेटे हैं दिग्विजय के। तो तनाव इस वक्त कांग्रेस के अंदर भी है, चुनावों का मौसम है, यह तनाव होना लाजमी है, मगर एक तरफ जूतम पैजार चल रही है, खुल के जूतम पैजार। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह चर्चा होनी चाहिए कि नहीं गोदी मीडिया में, और गोदी मीडिया इस पर चर्चा आखिर क्यों नहीं कर रहा? ये दोहरे मापदंड आखिर क्यों? और न्यूज चक्र में आज जो दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उस मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर सीधा प्रहार किया है, और भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे पर बुरी तरह से बौखला गई है। आपकी स्क्रीन पर अक्षय लक्ष्मण, वो अग्निवीर जो शहीद हो गया है। आज राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अक्षय लक्ष्मण के पूरे परिवार को ताउम्र फुल पेंशन क्यों ना मिले। इसका जवाब भाजपा के पास नहीं है, भाजपा अपनी तरफ से पक्ष रख रहा है, मगर भाजपा इस मुद्दे का मजाक भी उड़ा रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह अमित मालवीय, भाजपा के प्रचार तंत्र का मुखिया, इसने पहले एक शर्मनाक ट्वीट किया जिसमें वो हंस रहा था, उसके बाद उसमें संशोधन किया, उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले राहुल गांधी इस पर क्या सवाल उठा रहे हैं। अक्षय लक्ष्मण की तस्वीर आपके सामने है, राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। सियाचिन में अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है, उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं, एक युवा देश के लिए शहीद हो गया, सेवा के समय ना ग्रेच्युटी ना अन्य सैन्य सुविधाएं, और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं, अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। अब आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है अमित मालवीय, अमित मालवीय पहले यह ट्वीट करता है, और इस ट्वीट में आप देख सकते हैं बाकायदा उसको हंसी आ रही है अंत में, क्योंकि वो मजाक उड़ा रहा है राहुल गांधी का, मुद्दा शहादत का है, मगर इस व्यक्ति को हंसी आ रही है। बाद में
ये इसमें संशोधन लाता है और नया ट्वीट करता है। राहुल गांधी के ट्वीट पर यह व्यक्ति क्या कह रहा है देखिए, एब्सोल्यूट ट्रैश एंड इररिस्पॉन्सिबल ट्वीट। राहुल गांधी के बयान को कचरा और गैर जिम्मेदाराना अमित मालवीय बता रहा है। यह बात अलग है कि ट्वीट के अंत में इसको हंसी आ रही है। क्या बयान दे रहा है अमित मालवीय आपके स्क्रीन पर, अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण हैज लेड डाउन हिज लाइफ इन कोर्स ऑफ सर्विस एंड देयरफॉर इज एंटाइटल्ड टू एमोल्यूमेंट्स एज अ बैटल कैजुअलिटी। अब आगे क्या बता रहा है अमित मालवीय कि क्या क्या मिला है अक्षय लक्ष्मण को। अक्षय लक्ष्मण के परिवारों को 48 लाख नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस मिलेगा, एक्स ग्रेशिया मिलेगा 44 लाख का, सेवा निधि मिलेगी अग्निवीर 30%, और ये जो है सरकार की तरफ से इसमें योगदान होगा। और इसके अलावा द नेक्स्ट ऑफ किन विल ऑल्सो रिसीव पे फॉर द बैलेंस टेन्योर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल कंप्लीशन ऑफ 4 years मोर देन 13 लाख, यानी 13 लाख रुपए मिलेंगे। आगे अमित मालवीय कहता है कि फेक न्यूज फैलाना बंद करो राहुल गांधी, तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो और प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव करो, और अंत में इसको हंसी आती है। अब इसका जवाब सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरह से दिया है आपकी स्क्रीन पर, एन इनग्रेंट विथ स्कैंट रिगार्ड फॉर मार्टियर्स यू ट्रैशी ट्रोल अमित मालवीय रीड ऑन। क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत उग्र होकर आपके स्क्रीन पर, राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है, शहादत में भेदभाव नहीं हो सकता, एक सैनिक का असम्मान नहीं हो सकता, उसके परिवार की अवमानना नहीं हो सकती। फेक न्यूज के सरगना शहादत शब्द की स्पेलिंग आती है तुम्हें? एक पिता के कांधे पर अपने जवान बेटे की अर्थी का क्या बोझ होता है? इस दुख को समझने के लिए रत्ती भर भी मानवता नहीं है तुम में। सरहद पर अपने प्राणों की आहुति देने वालों के प्रति एक कृतज्ञ राष्ट्र उन शूरवीरों को शहीद का दर्जा और उनके परिवारों की हिफाजत करता है। एक सैनिक जब वीरगति को प्राप्त होता था तो उसके परिवार को आजीवन पारिवारिक पेंशन, आजीवन चिकित्सा सुविधाएं, आजीवन रक्षा कैंटीन की सुविधाएं, 45 लाख का पूर्ण बीमा भुगतान, 40 लाख का एक्स ग्रेशिया भुगतान, अतिरिक्त मृत्यु ग्रेच्युटी और सशस्त्र फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड से 8 लाख की राशि, बच्चों के लिए ट्यूशन और हॉस्टल शुल्क का भुगतान, परिवार के लिए नौकरियों में आरक्षण, यात्रा में किराए में छूट। कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि अग्निवीर को ये तमाम चीजें क्यों नहीं मिल रही जो अभी अभी गिनवाई गई हैं? अक्षय लक्ष्मण को ये सुविधाएं आखिर क्यों नहीं मिल रही? कांग्रेस सवाल पूछ रही है, इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वालों में भेदभाव करना पाप है, पर तुम जिस तरह से धनराशि गिना रहे हो वो शहादत का दाम लगाना है, कितना गिरोगे? दुश्मन की गोली के आगे सीना तान कर खड़े रहने वाला अग्निवीर हो या सामान्य सैनिक, उसके लिए दम और इस देश से बेपनाह मोहब्बत चाहिए जो दोनों तुम में नहीं है। शहादत को वही समझ सकता है जिसके किसी अपने का लहू इस देश की मिट्टी में शामिल है। तुम फेक न्यूज फैलाने लायक हो, वही करो और पकड़े जाओ। कड़े शब्दों का इस्तेमाल यहां सुप्रिया श्रीनेत कर रही हैं अमित मालवीय के लिए। देखिए, राजनीतिक वार और पलटवार एक अलग मुद्दा है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के बारे में क्या बयानात दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग मुद्दा है। मुद्दा यहां क्या है मैं आपको बताता हूं, मुद्दा यहां वही है। आपको याद होगा जब अग्निवीर को लेकर आंदोलन हुआ था, बिहार में आंदोलन हिंसक हो गया था, कई जगहों पर ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया था, तब आंदोलनकारी यही कह रहे थे अग्निवीर और सामान्य सैनिक में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही मुद्दे उठाए जा रहे थे जो आज कांग्रेस जिन मुद्दों पर सत्ताधारी भाजपा से सवाल कर रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो अंदाजे बयां है अमित मालवीय का वो वाकई शहादत के दाम लगा रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक अग्निवीर के परिवार को आजीवन पेंशन मिले उसकी शहादत के बाद, तो सरकार उस पर कोई एहसान नहीं कर रही है, ये तो सरकार को करना होगा, क्योंकि शहादत से बड़ा कोई जज्बा नहीं है। और बीजेपी को पता होना चाहिए कि शहादत के नाम पर ही, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनावों में वोट मांगा था, भूल गए आप? प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, क्या आपका पहला वोट पुलवामा के लिए मिल सकता है क्या? जबकि चुनाव आयोग ने कहा था कि शहादत पर वोट मत मांगिए, मगर प्रधानमंत्री ने खुल के मांगा था।
तो भाजपा शहादत पर वोट मांगती है और जब शहीदों के बारे में सुविधाएं देने की बात आती है तब इस तरह की बातें की जाती हैं जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। याद कीजिएगा दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के मामले में क्या कहा गया था अदालत में कि भाई अगर हम 23,000 करोड़ रुपए देंगे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ जाएगा। 23,000 था या 28,000 करोड़ था। तो सैनिकों के नाम पर वोट मांगना, मगर जब उन्हें सुविधाएं देने की बात आती है, जब उन्हें पैसे देने की बात आती है, तब आप देश की इकोनॉमी की बात करते हैं। मगर वही सैनिक पलट के कहेगा ना आपसे कि मोदी काल में ही, चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चोकसी हो, ललित मोदी हो, ये जो तमाम बड़े बड़े महानुभव हैं, वो देश का पैसा लेकर भाग गए ना, भागे कि नहीं भागे। और धन्ना सेठों को इतनी आसानी से कर्ज मिल जाता है और फिर उसी कर्ज का बोझ आम इंसान के कंधों पर आ जाता है क्योंकि वो पैसा लेके भाग जाते हैं। इसीलिए सैनिक और जो लोग देश का नुकसान पहुंचाते हैं उसके फर्क को भाजपा को समझना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।